नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कोरोना में सब कुछ रुका हुआ है लेकिन जातिवाद का जहर है वो चल रहा है। सबसे ज्यादा खबरें यूपी से आती है। यूपी में आईआईटी खड़गपुर में किस तरह से एक सवर्ण जातिवादी मनुवादी महिला प्रोफेसर ने जाति सूचक गालियां दी थी SC ST को, उसके बाद उसको सस्पेंड किया गया है। वहीं अगरतला में एक OBC के DM यादव को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने एक ब्राह्मण को शादी रुकवाया था जबकि वो 11:30 बज रहे थे और नियम को लॉकडाउन को तोड़ रहा था। जबकि आपने देखा होगा इस देश में चौकीदार भी हो कोई तो वो एक डंडे से हौंक देता है क्योंकि उसकी जाति जो है वो उसके साथ खड़ी होती है। एक डॉक्टर सचान को कानपुर में जिस तरह से योगी सरकार ने जेल में डाल दिया था, उसके बाद रिहा करना पड़ा था। अब बात है सैफई मेडिकल कॉलेज की। सैफई मेडिकल कॉलेज में जातिवाद का जहर सामने आया है और प्रोफेसर राजकुमार जो कि कुलपति है वहाँ के, उनको बहुत ही गंदे तरीके से छुट्टी पर भेज दिया गया है। और वो चिट्ठी दिखाऊंगा वो किस तरह से उन्होंने मुझे चिट्ठी भेजी है। और शानदार डॉक्टर हैं और लगातार ये देखिए, कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अवकाश स्वीकृत किए जाने के संबंध में कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 8/5/2001 से कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अवकाश पर रहूंगा। था मुझे दिनांक इतना से अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें, मेरा अवकाश सबकी। दरअसल इनको कोरोना हुआ था, ठीक है, कोरोना हुआ था, उसके बाद इन्होंने छुट्टी नहीं मांगी थी और इनको 9 तारीख को इनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया सेवा से। ये देखिए, प्रेषक आलोक कुमार प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में कुलपति आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा कुल सचिव। उल्लेखनीय कि विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल दिनांक 31/5/2021 को समाप्त हो रहा है। नए कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलित है, शीघ्र ही नए कुलपति की नियुक्ति सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन अनुसार की जाएगी। निजी ये उपयोग तथ्यों को दृष्टि में सैफई इटावा अधिनियम 2015 की धारा के तहत कुलपति को दिनांक 31/5/2001 अथवा नए कुलपति की नियुक्ति तक जो भी पहले हो के लिए कुलपति कर्तव्य को निर्वाचित अधिकृत किया जाएगा। सोचिए 31/5 को उनका रिटायरमेंट था, मतलब अगर डेट खत्म होना था तो उनको पहले ही क्यों निकाल दिया गया, 8 तारीख को ही क्यों निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली है, ये लेटर अचानक आ गया है। इसकी भाषा देखिए, VC को डिमोरलाइज करने के लिए ये मैंने लिख के सरकार और मेरे दोनों की फेस सेविंग बनी रहे। तो सोचिए बाद में उनको मजबूरी में चिट्ठी भेजनी पड़ी। तो सोचिए अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं, आप DM हो जाइए, कलेक्टर हो जाइए, वाइस चांसलर हो जाइए, अगर BJP शासित राज्यों में हैं या कांग्रेस के ही मनुवादी सरकार में है तो सोचिए आपकी क्या हश्र होने वाली है। तो जातिवाद एकदम चरम पर है। आप सोचिए कि वो लोग जो ताकतवर हैं वो अभी बेड पर कब्जा किए हुए हैं, ट्विटर फेसबुक पर किनका चल रहा है। तो ये जातिवाद का जहर है। सोचिए कि प्रोफेसर है वो गाली देता है, ये कोई आसान लोग नहीं है, ये कोई गाँव के गंवार नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं और ये जानबूझकर जातिवाद का इस तरह का नंगा नाच करते हैं। और सैफई के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार के साथ यही हुआ। इससे पहले कट्टी मनी साहब थे, ट्राइबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, रहते ट्राइबल प्रोफेसर थे, उनको हटा दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ आप चौकीदार बनिए, ठेला वाला बनिए, रिक्शा वाला बनिए, इनको दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत है आपके वाइस चांसलर बनने से, प्रोफेसर बनने से, डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से, MLA MP बनने से, मंत्री बनने से। ये आपको मजदूर मजबूर लाचार और बेबस देखना चाहते हैं। यूपी में तो एक कांस्टेबल ने उत्पीड़न से सुसाइड कर लिया, उसे कहा जा रहा है कि उसके अवैध संबंध थे। तो योगी सरकार खबर को दबाने के लिए कुछ भी कर सकती है और वहाँ जातीय उत्पीड़न सबसे एकदम चरम पर है, इतना चरम पर है। और सोचिए जो BJP के लोग बंगाल में चिल्लाते हैं कि ममता बनर्जी ममता, जहाँ जहाँ गैर BJP की सरकार है वहाँ इनको SC ST OBC माइनॉरिटी की चिंता है, लेकिन BJP राज्य में राम राज है, वहाँ तो SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ कुछ भी हो सकता है। IIT खड़गपुर सीमा सिंह आपने देखा, अब जो कुल VC हैं सैफई मेडिकल कॉलेज के उनको जिस तरह से हटा दिया गया है। ये सब कुछ साफ है कि इस देश में मनुवाद लागू है, मनुव्यवस्था लागू। और इसी के जवाब में धनुष की एक फिल्म आई है कर्नल, वो अमेजन प्राइम पे है, जरूर देखिए। जातिवाद को काटने वाली ये फिल्म है और मैं चाहता हूं कि जातिवाद कैसे काम करता है, भले वो तमिल में है लेकिन इंग्लिश सबटाइटल के साथ है। अमेजन प्राइम पर कर्नल नाम से फिल्म आई है,
इसको जरूर देखिए और जातिवाद के खिलाफ खुलकर खड़े होइए, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।